विद्यार्थीगण, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट PCM में। आज हम लोग हाई स्कूल हिंदी विषय का 2023 के अंशाल का सेट संख्या 5 को हल करेंगे, जिसका पेपर कोड है 801D। देख रहे हैं आप 801D, जिसमें खंड आ और खंड बा दो खंडों में प्रश्न पत्र विभक्त है। खंडा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 में पूछ रहा है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। आ में कह रहा है द्विवेदी के, बा कह रहा है भारतेंदु के, सा कह रहा है शुक्ल के, दा कह रहा है शुक्लोत्तर के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो लेखक थे भारतेंदु के, इसलिए आपका विकल्प बा सही हो जाएगा। भारतेंदु, पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के लेखक थे। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, गुनाहों का देवता रचना विधा है, मतलब गुनाहों का देवता किस विधा में लिखा गया है। आ कह रहा है कहानी, बा कह रहा है उपन्यास है, सा कह रहा है नाटक है, दा कह रहा है एकांकी है। तो गुनाहों का देवता जो रचना है उसकी विधा है उपन्यास, इसलिए विकल्प बा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, हंस पत्रिका के संपादक थे, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था। आ कह रहा मुंशी प्रेमचंद, बा कह रहा जयशंकर प्रसाद, सा कह रहा निराला, दा कह रहा महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका का संपादन किया गया था मुंशी प्रेमचंद द्वारा, इसलिए विकल्प आ सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 4 पे आ रहे हैं, कह रहा कलम का सिपाही की विधा है, कलम का सिपाही किस विधा में लिखा गया है। आ कह रहा संस्मरण, बा कह रहा रेखा चित्र, सा कह रहा जीवनी, दा कह रहा आत्मकथा। तो कलम का सिपाही जो लिखा गया है वो जीवनी है, इसलिए विकल्प सा सही हो जाएगा, विकल्प सा। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, 5 में पूछा जा रहा है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। आ कह रहा धर्मवीर भारती, बा कह रहा मोहन राकेश, सा कह रहा है कमलेश्वर, दा कह रहा राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश, इसलिए आपका विकल्प सही होगा बा, मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं। आ कह रहा कब हैं, बा कह रहा उपन्यासकार हैं, सा कह रहा है आलोचक हैं, दा कह रहा है नाटककार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो बहुत अच्छे आलोचक थे, इसलिए विकल्प आपका सा सही हो जाएगा, आलोचक। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, 7 में कह रहा है आकाशद्वीप के लेखक हैं। आ कह रहा है अमरकांत, बा कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सा कह रहा है जयशंकर प्रसाद, दा कह रहा है निराला। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो आकाशद्वीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी थे, इसलिए विकल्प सा सही होगा, विकल्प सा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, पूछ रहा है मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल किसने लिखा था। आ कह रहा मोहन राकेश, बा फणीश्वरनाथ रेणु, सा प्रेमचंद, दा जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल जो लिखा गया था वो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया था, इसलिए विकल्प बा सही होगा, विकल्प बा। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। आ कह रहा है रीतिबद्ध, बा कह रहा है रीति सिद्ध, सा कह रहा है रीतिमुक्त, दा कह रहा है प्रयोगवादी। तो आप केशवदास जो थे ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे, इसलिए विकल्प आपका आ सही हो जाएगा, विकल्प आ रीतिबद्ध। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है रामचंद्रिका रचना है, किसकी है पूछ रहा है।
आ कह रहा है केशव चंद दास की, बा बिहारी लाल की, शाह घनानंद की, दा भूषण की। तो रामचंद्रिका लिखा गया था केशवदास द्वारा, इसलिए विकल्प आ सही होगा, रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की थी। प्रश्न संख्या 11 पे आ रहे हैं। 11 में कह करुण रस का स्थायी भाव है। आ कह रहा रथ, बा कह रहा शोक, सा कह रहा हास, दा कह रहा निर्वेद। तो ध्यान दें, इसमें रथ जो है वो श्रृंगार रस का है, हास जो है हास रस का है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, इसलिए करुण रस का स्थायी भाव जो होगा वो शोक होगा, बा, विकल्प बा सही होगा। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। 12 में कह रहा है सोहत ओढ़ी पीतपट श्याम सलोनी गात, मनो नीलमर शैल पर आतप पर प्रकाश, उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है। आ कह रहा उपमा, बा कह रहा रूपक, सा कह रहा उत्प्रेक्षा, दा कह रहा यमक। तो ध्यान दें, जहाँ जन मन मानव शब्द आ रहे हों वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए उपरोक्त पंक्तियों में भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा और विकल्प सा सही होगा। प्रश्न संख्या 13 पे पूछा जा रहा है रोला छंद में कितने चरण होते हैं। आ कह रहा 3 चरण, बा कह रहा 2 चरण, सा कह रहा 4, दा कह रहा है 5। तो रोला में 4 चरण होते हैं, इसलिए विकल्प सा सही होगा। ध्यान दें, 4 चरण होते हैं रोला में। प्रश्न संख्या 14 पे पूछ रहा है अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिग्रहण में प्रयुक्त उपसर्ग है आ कह रहा अति, बा कह रहा अधि, सा कह रहा अध, दा कह रहा आ। तो उपसर्ग जैसा कि हम सब जानते हैं शब्द के पहले जुड़ता है और अर्थ में विशेषता उत्पन्न करता है या तो परिवर्तित कर देता है अर्थ को। तो अधिग्रहण में आदि जो है उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए विकल्प बा सही होगा। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। 15 में पूछ रहा है प्रत्यय के कितने भेद हैं। आ कह रहा है 2, बा कह रहा है 3, सा कह रहा है 4, दा कह रहा है 1। तो ध्यान देंगे, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, 2 भेद, इसलिए विकल्प आ सही होगा। दोनों भेद जो होते हैं कृत प्रत्यय होता है और तद्धित प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय के 2 भेद, विकल्प इसलिए आ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है तिरंगा में कौन सा समास है। आ कह रहा है द्वंद्व समास, बा कह रहा है द्विक समास, सा कह रहा है क्रमधारय समास, दा कह रहा है तत्पुरुष समास। तो आप ध्यान देंगे, तिरंगा में द्विक समास होगा, विकल्प बा सही होगा। द्विक समास की पहचान क्या होती है, इसका उत्तर पद जो है प्रधान होता है और जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो आप देख रहे हैं तिरंगा में जो ती है ये संख्यावाची 3 की ओर इशारा कर रहा है, यानी 3 रंगों वाला, इसलिए यहाँ द्विक समास होगा। प्रश्न संख्या 17 पे आ जाते हैं। 17 में पूछ रहा है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। आ कह रहा है दीर्घ संधि, बा कह रहा है यड़ संधि, सा कह रहा है वृद्ध संधि, दा कह रहा है गुण संधि। तो प्रत्येक में जो संधि होगी वो होगी यड़ संधि, इसलिए विकल्प बा संधि सही होगा, विकल्प बा। अब प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। कह रहा है खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप है। आ कह रहा है छीर, बा कह रहा है छीर, सा कह रहा है छीर, दा कह रहा है खीर। तो ध्यान देंगे, खीर का जो तत्सम रूप होगा वो छीर होगा, बा सही होगा। वैसे छीर ये भी लिखा गया है विकल्प आ में, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये छा नहीं होना चाहिए, बल्कि कच्छा वाला छा से जब लिखा जाएगा तब सही माना जाएगा, इसलिए विकल्प बात सही है। अब प्रश्न संख्या 19 में आ जाते हैं। कह रहा है नदी शब्द का वचन और विभक्त है। नदी शब्द का वचन और विभक्त पूछा जा रहा है। आ में कह रहा है चतुर्थी द्विवचन, बा कह रहा है पंचमी बहुवचन, सा कह रहा है षष्ठी एकवचन, दा कह रहा है चतुर्थी एकवचन। तो नदी शब्द में जो वचन होगा वो चतुर्थी वचन होगा और विभक्त जो होगा, विभक्त चतुर्थी होगा, वचन एक वचन होगा, इसलिए विकल्प आपका दा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है हसित हसिष्यथा धातु का वचन एवं पुरुष है।
शिष्य था। धातु का वचन में पुरुष है। आ कह रहा है एक वचन मध्यम पुरुष, बा कह रहा है बहुवचन उत्तम पुरुष, सा कह रहा है द्विवचन मध्यम पुरुष, दा कह रहा है एक वचन प्रथम पुरुष। तो हशिष्यथा में जो वचन होगा वो द्विवचन होगा और मध्यम पुरुष होगा, इसलिए विकल्प आपका सा सही होगा, विकल्प सा। इस तरह से आपका जो खंड आ था एक प्रसंख्या 1 से लेकर 20 तक वैकल्पिक प्रश्न, ये 20 नंबर का आपका बड़ी आसानी से हल हो जा रहा है। इसके बाद आरंभ होता है खंड बा, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रसंख्या 21 में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब गद्यांश दिया गया है और कह रहा है उसको पढ़ करके उससे संबंधित जो है 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके उत्तर देने होते हैं। तो आइए देख रहे हैं हम लोग इसको वर्णात्मक प्रश्न को। पहले गद्यांश को पढ़ लिया जा रहा है। कह रहा है मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीत और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता ना थी, पर उन दोनों की खूब मित्रता निभी। ये तो गद्यांश आपका था। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न संख्या 1 कर रहा है। कह रहा है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, जो अवतरण दिया गया जो गद्यांश आया हुआ है, कह रहा है इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश आपका है उसकी व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखते हैं। चलिए संदर्भ है प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम है मित्रता और लेखक इसके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से संदर्भ हो गया। अब कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक का मत है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों की रुचि और इच्छाएं एक समान हों, यह कोई ज़रूरी नहीं है, या वह दोनों एक ही प्रकार का कार्य करते हों, यह भी आवश्यक नहीं कि दोनों एक ही प्रकार का कार्य करते हों, यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे प्रकृति और आचरण की समानता। मतलब जो मुख्य सार इसका है तो ये कहना है लेखक का कि कोई आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों में समान गुण हों, या समान गुण वालों में ही मित्रता हो सकती है, समान इच्छाएं रुचि रखने वालों में ही मित्रता हो सकती है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। आइए राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, राम का स्वभाव धीर और शांत था जबकि लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था, फिर भी दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। ये तीसरे का उत्तर हो गया। अब आते हैं अथवा करके खा वाला दिया गया है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। तो इस गद्यांश को पढ़ा जा रहा है। गद्यांश दिया गया है अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन बुद्धि था, इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच के विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं।
हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। अब इसमें इससे संबंधित प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक लिखने के लिए कह रहा है, प्रश्न संख्या दो कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा कह रहा है, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो जो गद्यांश दिया गया है उसका शीर्षक भारतीय संस्कृत है, ये भारतीय संस्कृति की ही विशेषता सब बताए गए हैं। प्रश्न संख्या दो पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या दो कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश हम लोग देख लेते हैं कहाँ से है, तेन तेकतेन से लेकर के इसी तक से ओतप्रोत है, यहाँ तक कि रेखांकित अंश इसकी व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहता है कि हमारी संपूर्ण संस्कृति अहिंसा पर स्थित है। जहाँ भौतिक सिद्धांतों की बात आई है, अहिंसा को सर्वोपर स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। लेकिन हमारी सभ्यता में भोग भी त्याग से प्रस्फुटित हुआ है और भोग भी त्याग से प्राप्त किया है। स्वार्थ के दुष्परिणाम होते हैं व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति समाज के बीच, समाज समाज के बीच, देश और देश के बीच विरोध पैदा होना। ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी। अब प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है। हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो आप देखेंगे पूरे गद्यांश में अहिंसा और त्याग की ही बात की जा रही है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा और त्याग को प्रमुख स्थान दिया गया है। किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? अहिंसा और त्याग को प्रमुख स्थान दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 22 पे पहुँचते हैं। 22 में कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी गद्य का अंश दिया गया था, अब पद्य के अंश दिए जा रहे हैं। कह रहा है इस जिसमें का 22 का का कह रहा है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्त निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। ये पद्यांश दिया गया है। अब इससे संबंधित प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या एक कह रहा है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है। प्रश्न संख्या दो कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो देख चुके हैं जिनका वैभव से लेकर के जिनका विजय घोष रणगर्जन, इसकी व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तीसरा कह रहा है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। लीजिए पूछ रहा है कौन सा रस है। तो ये पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न के उत्तर को पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ पे आ जाते हैं। तो संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। लेखक का नाम है राम नरेश त्रिपाठी और पाठ का नाम है, जो शीर्षक जो है वह स्वदेश प्रेम है। ये हो गया आपका संदर्भ। अब कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन, इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। व्याख्या पे आ जाते हैं। तो व्याख्या होगा, लेखक कहता है कि आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और इसके विजय की गर्जना ये आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। मतलब अनगिनत बार इसकी विजय गर्जना को सुन चुका है। ये आपका व्याख्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन में कह रहा है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए पढ़ने से ही मालूम हो चल रहा है, मालूम हो रहा है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, पढ़ने से ही मालूम हो रहा है कौन सा रस है। तो हम लोग ध्यान देंगे, उपर्युक्त पंक्तियों में वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। अब
अथवा करके प्रश्न कर रहा है, अथवा कह रहा है। ये भी पद्यांश है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। इस यहाँ क्या दिया गया है, ऊधो मोह ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमत अर नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहेव सजायो अतहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। ये पद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा कह रहा है उपरोक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है। तो आइए सबसे पहले इसका पद्यांश देख लेते हैं, किस पाठ से आया है, कौन इसके रचयिता है, कवि कौन है। तो देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम है पद और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। आ जाते हैं, कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या होगा आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, ये मतलब मथुरा में होते हैं और उन्हें जो है ब्रज की याद आ रही होती है, तो वही श्री कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएँ घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं, प्रातःकाल में यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। मतलब वहाँ जिस प्रकार का सुख उन्हें जो मिल रहा था उन सबको याद करते हुए और उसी चीज़ को उद्धव जी से बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है उपरोक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है, तो आप देख लेंगे इसमें किस समय का वर्णन है। श्री कृष्ण मथुरा में हैं और उन्हें ब्रज की याद आ रही है, उन्हें ब्रज की याद आ रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण का मातृभूमि ब्रज के प्रति अनुराग का वर्णन है। किसका वर्णन है, अब मातृभूमि जो थी उसके प्रति अनुराग का, प्रेम का वर्णन है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 23 पे, जहाँ कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। गद्यांश दिया गया है, संस्कृत की शुरुआत यहाँ से हो जा रही है, और कह रहा है उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 23 का क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या है, कह रहा है एम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवा महात्मना अत्र आगत्य स्वयान विचारान प्रसारायन, न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपित कला क्षेत्रे अप एम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम चकृते लोके विश्रुता, अत्रत्यः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। ये गद्यांश दिया गया है और कह रहा है इसका संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ध्यान दीजिए इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, केवल पाठ का नाम लिखना होता है, संदर्भ संस्कृत से जब आता है तो वाराणसी पाठ से अवतरित है। अब इसका जो है संस्कृत में हिंदी में अनुवाद देख लीजिए, हिंदी अनुवाद क्या है, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास
तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह चाही जाती हैं, अर्थात पसंद की जाती हैं। तो ये आपका हिंदी अनुवाद हो गया। इस तरह से 23 का ये अनुवाद हो गया। आते हैं 23 का खा जो अथवा है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। इसको देख लेते हैं, ये गद्यांश क्या दिया गया है। ये गद्यांश है, ऐसा कर्म वीराराम संस्कृति कुर्बन्वेह कर्माण जिजी विशेषतम समा इति अस्याः उद्घोषा पूर्व कर्म तदनंतरम फलम इतस्माकं संस्कृते नियमा। इदानीं यदा वयम् राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः अस्मा निरंतरं कर्मकरणं अस्माकं मुख्यं कर्तव्यं निजस्य सर्वस्य फलं भोग्यं अन्यस्य सर्वस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयं। यद् वयम् विपरीतम् आचरामः तदा न वयम् सत्यं भारतीय संस्कृते उपासकः। अभी कह रहा जो है संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये सबसे पहले इसका अनुवाद हम लोग देख लेते हैं, सॉरी संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ कह रहा है, संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति से आया हुआ है। अब हिंदी अनुवाद इसका देख लेते हैं, ऐसा कर्मवीरा संस्कृति, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद होगा, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, यह इसकी घोषणा है। किसकी घोषणा है? भारतीय संस्कृति की। पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। मतलब अपने परिश्रम का फल भोगा जाए और दूसरे के श्रम का शोषण मत किया जाए। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई पड़े। हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। ये हो गया उसका हिंदी अनुवाद, देश के खा का अथवा का हिंदी अनुवाद। आइए प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। कह रहा है 24 में दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत के पद्यांश दिया गया है। पहला श्लोक है, किंसविद गुरुतरम भूमे किंसविद उच्चतरम शाखात किंसविद शीघ्रतरम वातात किंसविद बहुतरम त्रिणात। आइए प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। 24 में कह रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। श्लोक जो दिया गया है वो है, किंसविद गुरुतरम भूमे किंसविद तुच्छतरम शाखात किंसविद शीघ्रतरम वातात किंसविद बहुतरम त्रिणात। ये प्रश्न किया गया है श्लोक के माध्यम से। नीचे दो लाइनों में दो श्लोक जो है उसमें उत्तर दिया गया है, माता गुरुतरा भूमे खात पिता उच्चतरस तथा मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रिणा। तो कह रहा है कि इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आइए इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ इसका होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्रान पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम है जीवन सूत्रान। अभी इस दिए गए श्लोक का हिंदी अनुवाद देख लिया जाता है। हिंदी अनुवाद होगा, पृथ्वी से भारी कौन है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है,
वायु से भी तीव्रगामी कौन है और तिनके से अधिक घना कौन है? ये जो पहला श्लोक है प्रश्न किया जा रहा है, उसके बाद वाले श्लोक में इसी का उत्तर दिया जा रहा है। माता पृथ्वी से भारी है, पिता आकाश से अधिक ऊंचा है, वन वायु से अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनके से बढ़कर घनी है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब हम लोग 24 के अथवा पे आ जाते हैं, 24 खा पे। यहाँ श्लोक जो दिया गया है, हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा भोक्षसे महीम निरासीन निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। कह रहा है दोनों में से किसी एक का संदर्भ से अनुवाद करना है, तो आइए इसका संदर्भ हम लोग देख लेते हैं। संदर्भ इसका होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित वीरह वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उत्तरित है। वीरह वीरेण पूज्यते नाम पाठ का नाम है। अब इसका हिंदी में अनुवाद देख लीजिए क्या होगा। हिंदी अनुवाद होगा, पुरुराज अलेक्जेंडर को गीता का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, वो गीता का संदेश ही है जो श्लोक के रूप में वहाँ है, वह है मरने पर स्वर्ग पाओगे या जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए चिंता मुक्त निराशा और मोह रहित होकर युद्ध करो। ये पुरुराज जो है अलेक्जेंडर को बताते हैं, गीता का उपदेश सुनाते हैं। ये इसका अनुवाद होगा। अब प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थी अगर ध्यान दें, ये पठित खंडकाव्य हर मंडल का अलग अलग होता है, प्रत्येक मंडल, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अपना जिला बता देंगे, अपने जिले से अवगत करा देंगे, जिले का नाम बता देंगे, तो मैं मंडल वाइज इसके लिए विशेष वीडियो तैयार करके डाल दूंगा इस चैनल पर, लेकिन आप लोग अपना अपना जिला बता देंगे। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ दिया जा रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। 26 में कह रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जयशंकर प्रसाद। इन तीनों लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो जब आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, सेट संख्या 1 से 4 तक देखेंगे, तो उसमें आपको ये तीनों लेखकों के जीवन परिचय मिल जाएंगे। फिर भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं आपको अभी उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। वैसे आप तीनों लेखकों का जीवन परिचय पिछले वीडियो में आप पा जाएंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे, प्रसिद्ध थे। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के 2 से 3 वर्षों के भीतर इनकी माता का भी देहांत हो गया। इस प्रकार 17 वर्ष की अल्पायु में, कम आयु में ही इन्हें परिवार संचालन का भार संभालना पड़ा। यक्षमा के कारण प्रसाद जी का देहांत 1937 ईस्वी को हो गया। ध्यान दें, जीवन परिचय बहुत ही आसान होता है। आप संबंधित लेखक का नाम, उनका जन्म का सन, उनके पिता माता का नाम, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ समाप्त हुई, और अंत में उनका देहावसान, उनका देहांत किस प्रकार, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, बस इतने ध्यान रखना होता है, बाकी बड़े आसानी से सब। अब आ जाते हैं प्रमुख रचनाओं पर। तो प्रमुख रचनाएं, वैसे प्रश्न में आपके एक ही पूछा जा रहा है, फिर भी मैं यहाँ 3 बता दे रहा हूँ, असगंधगुप्त, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त, ये प्रमुख रचनाएं हैं।
अब प्रश्न संख्या 26 के ही खा पर पहुंचते हैं। खा में कह रहा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा कह रहा है महाकवि सूरदास। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेट संख्या 1 से 4 तक का जो मेरा वीडियो है उसमें इन तीनों कवियों का जीवन परिचय मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय उपलब्ध करा दे रहा हूँ, बाकी तीनों आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। संख्या है 1532 ईस्वी। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है विद्वानों में। ये सरयू पारायण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, ध्यान दीजिएगा आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। हुलसी बहुत आसानी से याद रखेंगे, तुलसी और हुलसी, ता और हा का फर्क है, हुलसी था। इनका पालन पोषण स्वामी नरिहरदास ने किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने, किस विद्वान ने, शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंध पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। रत्नावली कहते हैं कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर 1632 ईस्वी में हुई। 1632 ईस्वी मृत्यु का जो समय है 1632 ईस्वी। अब जो महत्वपूर्ण इसमें है, जन्म हम लोग कहाँ जानते हैं, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में, सन है 1532 ईस्वी। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि एटा जिले के सोलो नामक स्थान। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम मुंशी था। इनका पालन पोषण नरिहरदास ने किया था। शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान करवाया था। विवाह इनका रत्नावली से हुआ था जो कि दीनबंध पाठक की पुत्री थी, और इनकी मृत्यु 80 घाट पर हुई 1632। अब प्रमुख रचना इनकी देख लेते हैं। वैसे तो रचना एक ही पूछा गया है, फिर भी एक रचना देख लेते हैं। रामचरितमानस जो बहुत ही प्रसिद्ध है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वरवे रामायण, जानकी मंगल, ये सब प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। इसमें से कोई भी एक रचना लिख देना। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। 27 में कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक लिख देना है प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसके लिए मैं एक बहुत ही आसान श्लोक आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। श्लोक क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत ही आसानी से कंठस्थ हो जाएगा, और ये इस सेट में है नहीं, ऐसे ही आप 2-4 श्लोक आप अलग से याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 28 पे आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्न दिया गया, पुरु राजा कहाँ सीत पहला है, दूसरा कह रहा है वीरा केन पूजित, तीसरा कुत्र वर्ण मंगलम भवत, चौथा कह रहा है चंद्रशेखरा कहाँ सीत। 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें से किन्हीं दो के ही उत्तर आपको देने हैं। चलिए इन चारों का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, पुरु राजा कहाँ सीत, तो उत्तर है इसका, पुरु राजा एका भारत वीरा आसीत। कह रहा पुरराज कौन थे, तो पुरराजा एका भारत वीरा आसीत। पुरराज एक भारत वीर थे, भारत के वीर थे, या भारतीय वीर थे। फिर कह रहा वीरा केन पूजते, मतलब वीर की पूजा किसके द्वारा हो जाती है, वीर की पूजा कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा वीरा वीरेण पूजते, यानी वीर की पूजा वीर ही करता है, यानी वीर का सम्मान वीर ही करना जानता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, कुत्र मरणम मंगलम भवत, कहाँ मरना मंगलकारी होता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मृत्यु को प्राप्त करना मंगलकारी होता है। चौथा कह रहा है चंद्रशेखरा का आसीत, मतलब चंद्रशेखर कौन थे, तो उत्तर इसका हो जा रहा है चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत, मतलब चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। ये आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया, प्रश्न संख्या 28 में जो प्रश्न पूछे गए थे के तहत। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें, तो पहला कह रहा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, पहला विषय यह है। दूसरा कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हान। तीसरा विषय दिया जा रहा है बेरोजगारी की समस्या। चौथा विषय दिया जा रहा है विज्ञान के चमत्कार। तो इसमें से जो पहला विषय दिया गया है भारत में आतंकवाद कारण निवारण, इसको मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ। आगे के सेटों में ये अगर आ रहे हैं तो इनका भी मैं जो है बढ़िया से विवरणात्मक निबंध दे दूँगा, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार या जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ हो रहा है। अभी तो फिलहाल भारत में आतंकवाद कारण निवारण उपलब्ध करवा रहा हूँ, देख लेंगे। आइए देखते हैं आतंकवाद कारण एवं निवारण। सर्वप्रथम हम लोग आतंकवाद का अर्थ जानेंगे, आतंकवाद का अर्थ होता क्या है, आतंकवाद से मतलब क्या है, आतंकवाद से तात्पर्य क्या है। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न बाह्य शक्तियाँ, जब किसी राष्ट्र में व्यापक स्तर पर जनता में अपने भयानक कारनामों द्वारा भय, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना को फैला देती हैं, तब उस स्थिति को हम आतंकवाद कहते हैं। यह आतंकवाद का अर्थ है। आतंकवाद के कारण क्या है इसको जान लेंगे हम लोग। जो प्रमुख कारण है वही मैं यहाँ दे रहा हूँ। पहला कारण जो है बाह्य शक्तियों के प्रभाव, बाह्य शक्तियों के प्रभाव से आतंकवाद का जन्म होता है। दूसरा शिक्षा का अभाव, बहुत ही मुख्य कारण है, शिक्षा के अभाव में लोग इस प्रकार के कृत्य को अपना लेते हैं। तीसरा कारण है उचित पथ प्रदर्शन का अभाव, अगर सही दिशा में मार्गदर्शन जब नहीं किया जाता है तब भी जो है आतंकवाद को इससे बढ़ावा मिलता है। चौथा आजीविका की समस्या, आजीविका की समस्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है इसका, आतंकवाद के कारणों में आजीविका की समस्या। पांचवा है प्रशासनिक अकुशलता, ये भी मुख्य है। और छठवां है राजनीतिक कुचक्रों का परिणाम। अब इस पर आप बहुत बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, तमाम बातें इन पर लिख सकते हैं, इन कारणों पर आप बढ़ा के लिखते जा सकते हैं। आतंकवाद का निवारण, आतंकवाद का निवारण कैसे होगा, कैसे संभव है, तो इसको हम लोग जानेंगे। आतंकवाद से लड़ने का कोई भी नायाब तरीका अभी तक ईजाद नहीं हुआ है, कोई ऐसा तरीका नहीं अभी तक मिल पाया है जिससे पूरी तरह से आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए। पिछले कई सालों से देश आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। आतंकवाद को दूर करने के लिए सरकार पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना की मदद ले रही है, किंतु आतंकवाद को रोकने में पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकी है। फिर भी कुछ उपायों को निम्न रूप से समझा सकते हैं, जैसे उचित नैतिक शिक्षा, अगर सही प्रकार से शिक्षा दी जाए। दूसरा बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन, ऐसी बाह्य शक्तियाँ जिनसे खतरा होने का भय हो उनका कठोरता से दमन कर दिया जाए। तीसरा जनता में जागरूकता की भावना करना, जब जनता जागरूक होगी तो निश्चित ही इसे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलने पाएगा। चौथा सीमाओं पर कठोर नियंत्रण, सीमा पर बहुत कठोर निगरानी की जाए। और पांचवा जो है राजनीतिक एकता, राजनीतिक एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इन तमाम प्रकार से जो है आतंकवाद को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये हो गया आपका आतंकवाद का कारण एवं निवारण, इस विषय पर आपके लिए निबंध उपलब्ध है। इस तरह से हमारा ये पांचवा सेट समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और इससे आपको बेहतर लाभ भी प्राप्त होगा, और यदि ऐसा होता है आपको बेहतर लाभ मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट था पांचवा सेट,
और इसके बाद छठवां सेट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये सेट तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप इसे ज़रूर ध्यान से देख लें, समझ लें, अच्छी तरह से समझ लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा सामग्री इसमें ऐसी है जो परीक्षा में आनी है, निश्चित है, आने ही आने हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेट संख्या 6 को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।